कब से चल रहा है ये? क्या? तुम्हारा और अफीफा का मुआशका। What? क्या कहे तुमने, जरा दोबारा बोलो। पागल नहीं हूँ मैं नौरेज, सब समझती हूँ। और अब तो तुम्हारी नियत खुलकर सामने आ गई है। तुम मुझे स्लिम नहीं देखना चाहते थे अपने जवाब के, क्योंकि तुम चाहते थे किसी स्लिम और खूबसूरत लड़की से तुम्हारा चक्कर चलता रहे। ऐसा बोलो, उम्मीद सुनने के मुलाजमा भी घर पे क्यों तमाशा खड़ा कर रही हो? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसी की परवाह नहीं है मुझे। क्यों कर रहे हो तुम इस तरह मेरी? ओह गॉड सेक यार, तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या हो गया तुम्हें? समन, मैं जानता था कि तुम्हारा ये मोटा होने की जो एहसास है कमतरी है ना एक दिन तुम्हें ज़हनी मरीज़ा बना के छोड़ेगी। और देख लो। हाँ मैं हूँ ज़हनी मरीज़, हूँ मैं मोटी, लेकिन तुम्हारी तरह बेवफा नहीं हूँ। तुम्हारी तरह किसी गैर मर्द के साथ मेरा अफेयर नहीं चल रहा। समन, अब एक लफ्ज मुंह से और मत निकालना, वरना मैं। वरना क्या? हाँ क्या करोगे? मारोगे मुझे? तलाक दोगे मुझे? दे दो मुझे तलाक। वैसे भी तुम जैसे मोहब्बत में खयानत करने वाले शख्स के साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी नहीं गुजार सकती। दो तो मुझे तलाक, मैं कहती हूँ दो मुझे तलाक नौरेज। सवेरा, तुम प्लीज अभी के अभी इसे सारी हकीकत बताओ, बिकॉज मैं ये राज अब नहीं रख सकता। समन, समन क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सवेरा, इस शख्स ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं जानती हूँ मैं मोटी हूँ, मुझ जैसी लड़कियों को ये पसंद नहीं करता। No, for God's sake, just give me a break. तुम पागल तो नहीं हो गई? सवेरा, तुम प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाओ। मुझे इस शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। ये अपनी गंदी नजर ना तुम पर भी डालेगा। तुम प्लीज चली जाओ तुम यहाँ से। सब